जब किसी चालक के सिरों पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, अप्लाई का मतलब होता है लगाना, तो किसी चालक के सिरों पर जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो चालक के जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, तो इन पर क्या होता है, एक बल कार्य करने लगता है। ठीक, इस बल को क्या कहते हैं हम, इस बल को हम कहते हैं विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। ठीक, इस बल के कारण चालक के ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन विद्युत स्रोत के ऋण सिरे से निकलकर धन सिरे की ओर अनुगमन करते हैं। ठीक, फिर से समझ लो, जब चालक के सिरों पर, ये होते हैं सिरे, ये ए सिरा, ये बी सिरा, जब चालक के सिरों पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो चालक के फ्री इलेक्ट्रॉन पर एक बल कार्य करने लगता है जिसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस बल के कारण ही चालक के विद्युत स्रोत के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलकर धन सिरे की ओर अनुगमन करने लगते हैं। ठीक, ये धन सिरा, ये ऋण सिरा। ठीक, इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार अनुगमन क्या कहलाता है, अनुगमन वेग, क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। अनुगमन का मतलब होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर है तो यहाँ से इस स्थान से यहाँ तक आने में जो वेग चाहिए वो अनुगमन होता है, मतलब एक खिसक से दूसरी जगह खिसकना अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग एक लगभग -10^-4 प्रति सेकंड होता है, 10^4 इलेक्ट्रॉन का अनुगमन 10^-4 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, या इक्वल समन 1.732 किलोमीटर पर डे होता है। ओके, ये इलेक्ट्रॉनों की गति नहीं है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन कितना होता है, 10^-4 मीटर प्रति सेकंड या 1.732 किलोमीटर पर डे। ठीक, अब इलेक्ट्रॉनों की गति जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक गति, इलेक्ट्रॉनों की गति किसके बराबर होती है, प्रकाश की चाल के बराबर होती है, प्रकाश की चाल के बराबर। इलेक्ट्रॉनों की अनुगमन गति किसके बराबर होती है, प्रकाश की चाल के बराबर। तो इलेक्ट्रॉनों की